हेलो स्टूडेंट्स, सो हेलो अब हम करेंगे कन्वर्ट टू सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करना है मीटर को। अब हमें ये पता होना चाहिए कि कितने, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, तो जब भी मैंने मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो मैंने किससे मल्टीप्लाई करना है, 100 से। जो भी मीटर वाला नंबर होगा उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 100 से। तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेंटीमीटर्स में। ओके, देखते हैं क्वेश्चन। नाइन्टी मीटर को सेंटीमीटर में, 90 को किससे मल्टीप्लाई करना है, मैंने बोला था 100 से, क्योंकि 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो ये आ गया 100 सेंटीमीटर। जब मैंने 90 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो जितनी जीरोज है इसके आगे लगा दो, 1, 2 जीरोज और ऐड हो गई, ये बन गया 9,090 मीटर। ओके, सो नेक्स्ट इज 73 मीटर 65 सेंटीमीटर। तो पहले हमने क्या करना है, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है मीटर को, तो 100 से मल्टीप्लाई। ठीक है, नाउ उसके बाद क्या करना है भाई, उसके बाद 73 जितने जीरो है उसके आगे लगा दो। ओके, ये एक जीरो नहीं आनी थी क्योंकि 2 जीरो हैं। तो 77,300 सेंटीमीटर यहाँ पर था। जो जी पार्ट है उसमें है 29, ये एफ पार्ट है बेटा, एफ पार्ट है 29, 29 मीटर 90 सेंटीमीटर। वही इसको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 29 को मैंने सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है इनटू 100 सेंटीमीटर, तो कितना आया, 29 हंड्रेड। लेकिन ये वाला तो बच गया। ठीक है, तो सेंटीमीटर में सेंटीमीटर ऐड हो सकते हैं, तो मेरा एक आंसर आएगा, दो नहीं आएंगे। ठीक है, मैं ऐसे नहीं लिख सकती दोनों। तो ये सेंटीमीटर, ये 0, ये 9, ये 9, ये 2। ओके, तो आगे है 88 मीटर 56 सेंटीमीटर। तो 88 मीटर को कन्वर्ट करना है, कैसे करना है, वही 88 को 100 से मल्टीप्लाई, मीटर का बन गया सेंटीमीटर, ये बना 88 हंड्रेड सेंटीमीटर। अभी तक मेरे पास ये वाला पड़ा है, तो ये सेंटीमीटर में सेंटीमीटर ऐड कर दो। ओके, तो ये आया 6,588। ओके, नाउ नेक्स्ट दिस वन, 77 मीटर सेंटीमीटर में पहले कन्वर्ट करना है। अब तो आपको पता लग ही गया होगा क्या करना है। ठीक है, तो ये बन गया 7,700 सेंटीमीटर, तो ये वाला इसमें ऐड कर दो। ओके, तो ये बना 1,077। ठीक है, 7,701 आंसर। तो ये था आपका मीटर्स को सेंटीमीटर्स में कैसे कन्वर्ट करना है। आपको पता होना चाहिए कि मीटर्स में कितने सेंटीमीटर होते हैं, उतने ही हमने जितने भी मीटर हो उस नंबर से सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई कर देना है। 100 से ना, तो 100 से मल्टीप्लाई करके सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।